अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिंग। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का भी दिन जो है वो अच्छा गुजरा होगा। यार आज हम बात करेंगे 3 जून की क्लोजिंग की और थोड़ा सा ये जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि मुमकिन तौर पर कल जो है वो मार्केट की क्या सूरत हाल हो सकती है। कल जुमे का दिन भी है, 2 सेशन होंगे, ये वीक भी थोड़ा सा अप डाउन रहा है। देखेंगे कि मार्केट जो है उसमें कल क्या पोजीशन हो सकती है। चलते हैं जी और देखते हैं कि सबसे पहले मार्केट ने जो है वो आज फिर 33 पॉइंट जो है वो निकाले हैं। हमारा जो टारगेट है मार्केट का वो 48,000 समथिंग का है। वो इंशाल्लाह जब हम चलते हैं कैंडल पर तो फिर उसके हवाले से बात करेंगे। 33 पॉइंट मार्केट ने निकाले, लेकिन आज सारा दिन जो है मार्केट के अंदर ना कुछ थोड़ा सा खिंचाव खिंचाव सा देखने को मिला है कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा ना, जिस तरह आप यूँ समझ लीजिए कि खींचातानी थी थोड़ी सी, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस। तो मार्केट जो है वो थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, डगमगाती सी रही है। तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब इंडेक्स भी तो देखे ना, 48,000 पे है, तो देखते हैं जी सर्किट ब्रेकर जो है वो कैसा रहा। सर्किट ब्रेकर की जो पोजिशन है आज अगेन जो है वो 14 कंपनियां अपर कैप हुई हैं, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 पांच कंपनियां जो हैं वो बाहर हाल एक अच्छे वॉल्यूम, 5-6 कंपनीज जो हैं वो अच्छे वॉल्यूम के साथ अपर कैप हुई हैं। अच्छा जी, अच्छा पाकिस्तान केबल भी हो गया, वाह जी वाह, चलें यार अच्छी बात है। मेरा ख्याल है हमने, मैंने जो अपने दोस्तों को ये रिकमेंड किया था, मेरा ख्याल है 127 पर या इसके आगे पीछे मैंने रिकमेंड किया था, चलें यार उनकी तो यशी हो गई है। देखिए चीजें जो है ना, मैं गुज़िश्ता चंद दिन से आप लोग सुन रहे होंगे कि मैं तो यही कह रहा था कि यार हम लोग तो सेलिंग पे ही हैं। सेलिंग में हम इसीलिए हैं क्योंकि हमने सर पहले से पोजीशन बना रखी है, अब हम आराम से बेच रहे हैं, तो अब हम करेंगे कैश इकट्ठा, मार्केट जब थोड़ा सा डिप लेगी तो हम बाय करेंगे। लेकिन अभी भी हम साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा बाइंग भी कर रहे हैं जहां पर सिक्योर बाइंग बनती है। आगे चलते हैं और देखते हैं लोअर कैप की क्या पोजिशन है। तो लोअर कैप में अगर हम देखें तो बहरहाल आज 2, 4 और 1, 5 कंपनियां हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि लोअर कैप को अगर ना ही कंसीडर किया जाए तो बेहतर है। सीसीएम ठीक है, लेकिन वो भी 16,000 के वॉल्यूम के साथ लोअर कैप हुई है, लेकिन ये सीसीएम टाइप जो कंपनीज होती हैं इसके अंदर ये जो 10,000 का वॉल्यूम होता है ना, ये भी इनफ वॉल्यूम होता है। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि इसको अभी इतना कंसीडर नहीं करते। आगे चलते हैं और समरी को देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो इम्पैक्ट है ये 33 पॉइंट का है या 330 का है। आज ये 211 एडवांस के अंदर और 157 डिक्लाइन में, बहरहाल इम्पैक्ट मुझे तो फिलहाल इतना खास नजर नहीं आ रहा। एक 211 अपसाइड पे है। ऑटोमोबाइल असेंबलर में एक अच्छी खासी मूव थी आज भी, इनो पार्क से लेकर और एटलस होंडा तक जो है, पार्क सुजुकी दोनों भाई गंधारे सब के अंदर ही बढ़ोतरी नजर आ रही है। अच्छी जो मूव आज रही वो बहरहाल होंडा के शेयर्स के थे, चाहे वो होंडा एटलस हो या होंडा कार्स। ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स बहरहाल थोड़ा सा डिप्रेस हुए हैं आज। लोड्स ने आज फिर थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट दिखाई है 27 पैसे की, लेकिन अब चीजें जो है ना वो थोड़ा सा सेचुरेशन की तरफ जा रही है। देखिए कुछ शेयर्स आपको अभी भी नजर आ रहे हैं कि जिनके अंदर ठक 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 ऊपर की तरफ अपर कैप्स लग रहे हैं, या कभी उसके अंदर बढ़ोतरी आ रही है, लेकिन नई एंट्री बनाने के लिए मैंने पिछले भी पहले भी एक बात कही थी कि आपने स्पेस देखनी है। ये ना देखिएगा कि ये शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है, बल्कि ये देखिएगा कि क्या इस शेयर के अंदर स्पेस मौजूद है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आपने अगर बस के अंदर बैठना हो तो आप पूछते हैं कि भाई यहाँ बस के अंदर सीट है, सीट है तो आप बैठेंगे ना, लेकिन अगर सीट नहीं है बल्कि खड़े होने की भी जगह ना हो तो आप उस बस में क्यों सवार हो। तो इसलिए बेहतर ये है कि आपने अगर कोई नई एंट्री फरमानी है तो बातों पर ना जाइएगा, मेरी या किसी भी दोस्त की यूट्यूब की वीडियो पर मत जाइएगा कि जी ये शेयर ऊपर जाने लगा है, बल्कि आप ये देखिएगा कि क्या उस शेयर के अंदर आपको स्पेस नजर आती है या नहीं। केबल्स की बात करें तो बहरहाल केबल्स तो आज बड़ा बेहतरीन दिन रहा केबल्स के हवाले से, सिमन से लेकर और जो आपका पाकिस्तान केबल है इट्स गुड। सीमेंट सेक्टर में भी आज बहरहाल कल की निस्बत तो कुछ थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट ही नज़र आ रही है। पावर सीमेंट के कहाँ तक गया यार, पावर सीमेंट गया जी 9.95 तक। पावर बेचारा थोड़ा सा ना
इसकी कुपावत थोड़ी सी खत्म हुई हुई है, आ जाएगी इंशाल्लाह। आगे चलते हैं जी। केमिकल सेक्टर में अभी चंद दिन पहले हम बात कर रहे थे डेस्कॉन ऑक्सीकैम की, तो चलें आज जो है वो इसके अंदर एक अच्छी बढ़ोतरी नजर आई है 1 रुपये 67 पैसे के साथ। जिनके पास है वो थोड़ा हौसला फरमाइए यार। ये मैं दो चीजें आपको बताता चलूं। कल जो है वो कुछ दोस्तों ने कमेंट किया और उन्होंने पूछा कि सर ये जरा हौसला फरमाइए और इसके बारे में जरा थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करें कि इससे आपकी क्या, इसका आपका क्या मतलब होता है। देखिए मेरा मतलब ये होता है कि आपका शेयर अगर इस वक्त लॉस में है तो आप इसमें अभी स्टे करें, इनशाला ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये होता है हौसला। और दूसरी चीज ये होती है कि अगर आप प्रॉफिट में हैं तो उसमें हौसला फरमाने का मतलब ये होता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कर लें और थोड़ा सा मजीद इंतजार कर लें, आपको मजीद प्रॉफिट मिल सकता है। तो हौसला करने का मतलब होता है स्टे स्टे ऑन योर पोजीशन, ठीक है सर। और मैं जब कहता हूँ इधर उधर हो जाए तो इसका मतलब होता है कि आप पोजीशन काट दें, ठीक है। तो आज मैंने अपने दोनों इस्तलाह जो है इधर उधर हो जाए और हौसला रखे वाली मैंने पूरी तरह एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है ना जी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो बैंक्स बहरहाल आज फिर भी डिप्रेस रहे। हमने बहरहाल जी पंजाब बैंक के 17-18 हज़ार शेयर मैंने बेच दिए थे। अब नीचे आएगा तो फिर देखेंगे ना, समझा करें, बताना नहीं है किसी को कि मैं किस चक्कर में हूँ। इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें तो आज इंजीनियरिंग सेक्टर ने तो कमाल ही कर दिया है। अमरेली स्टील जो है वो तो हुआ अपर कैप, इसके साथ आयशा स्टील भी ठीक था, आगा स्टील आज फिर आगा आगा हो गई है। तो जिनके पास अमरेली स्टील है वो हौसला फरमाए, ठीक है ना। हौसला फरमाने से मुराद ये है कि अगर आपकी बाइंग 40 के राउंड 43 के राउंड बोर्ड भी है फर्ज करें तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कल फरमाएं और बाकी हाथ में रखें। फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें, फर्टिलाइजर सेक्टर थोड़ा डिप्रेस नज़र आ रहा है, लेकिन बहरहाल इतना भी डिप्रेस नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि अगले चंद दिनों में कोई एक शेयर आपको एंट्री फरमाने के लिए स्पेस देगा। फूड सेक्टर में भी आज छक्के लगे हैं। दी ऑर्गेनिक मीट जो है वो नीचे की तरफ चक्का लगाने को शुरू हो गया। चले कोई बात नहीं यार, हमने तो दिया हुआ है बेच। आपको याद होगा मैंने जिस दिन बेचा था, मैंने 36 पे शायद मैंने बेच दिया था, 36 या 37 पे, मुझे अच्छा नहीं पूरी तरह नहीं याद। लेकिन बहरहाल यार हमारी एंट्री भी तो 27 साढ़े 27 की थी ना, तो और इसमें से क्या कितना रस निकालेंगे भाई। देखिए एक चीज हमेशा याद रखें, मैं अक्सर कहता हूँ, बढ़ते हुए शेयर को बेचना और गिरते हुए शेयर को खरीदना ये शेयरों का ही काम होता है, ठीक है ना। आम बंदा ये काम नहीं कर सकता, इसके लिए बंदे का खुद शेयर होना बड़ा जरूरी है। जो शेयर होगा वही शेयर खरीदेगा और वही शेयर बेचेगा, नहीं तो जब ऊपर जाएगा फिर भी घबराएंगे, जब नीचे जाएगा तब भी घबराएंगे। तो घबराने वालों के लिए ये बिजनेस नहीं है। स्टॉक मार्केट जो है ये आसाब की गेम है, जिसके आसाब मजबूत हैं वो ये बिजनेस फरमाए, जिसके आसाब मजबूत नहीं है वो इस बिजनेस से दूर रहे। आज ग्लास सारे टूट गए हैं, चलें कोई बात नहीं है, टूटने नहीं देना, थोड़ा सा और टूटेंगे तो भाई इस पे बात करेंगे, अदरवाइज मेरा कोई मूड नहीं है इस पे बात करने का। इंश्योरेंस को भी छोड़ दें। इन्वेस्टमेंट बैंक्स में आज क्या हुआ, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज को लग गया एक और लोअर लॉक, तो मैंने तो भाई आज लोअर लॉक पे फिर खरीदे हैं। मैंने तो आज 868 पे मैंने पहले लगा, जब इसकी मूव आगे पीछे शुरू हुई है ना, तो मैंने जो अपने दोस्तों को भी जो था ना वो मैंने मैसेज कर दिया था कि भाई लोअर लॉक पे जो है ना वो बाय कर लें। तो मैंने खुद 10 हज़ार खरीदे थे 868 पे, फिर मैंने कुछ जो है वो मेरे ख्याल 9 रुपये 19 पैसे पे आधे बेच दिए, आधे रख लिए। तो मैंने कहा जो उसके नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं डायरेक्टली प्रॉफिट में आ गया हूँ सर, इससे पहले की बाइंग मेरी मेरा ख्याल कोई 9.5 रुपये के करीब है, इतना अच्छा शेयर नहीं है ये। बहरहाल अगर मेरा ख्याल है कि आप लोग ना इस शेयर से ज़रा दूर ही रहें, क्योंकि ये इसमें गोला घूमता है तो तेज़ घूमता है। लीजिंग शीजिंग भी छोड़ें, बादशाह ठीक है, शिफा आज फिर चला गया नीचे। चलें इसने अपर अपर कैप दिया था ना एक, उसके बाद ये इसमें से एग्जिट हो रहे हैं लोग। मुदारबाज ऑयल एंड गैस, देखिए आज इंडेक्स के नीचे जाने की एक वजह ये भी है कि जो भारी भरकम शेयर है ना ऑयल एंड गैस सेक्टर के सर, उनके अंदर थोड़ा प्रेशर था आज। तो ये जो पूरा का पूरा सेक्टर है ना ऑयल एंड गैस का, ये काफी वेटेज वाले शेयर्स हैं, इसलिए जब ये चलते हैं तो ये इंडेक्स को उठा के रखते हैं और जब ये नीचे जाते हैं तब भी ऐसा ही होता है। पेपर एंड बोर्ड को भी छोड़ें, वाजी वाह, फार्मा में तो आज लगे हैं छक्के। जिनके पास है, मेरा ये ख्याल है कि वो कल थोड़ा सा
को प्रॉफिट टेकिंग फरमा ले, ठीक है ना। आगे चलते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने कहा था भाई आप लोग कुछ उठा लें, पता नहीं किसी ने कुछ उठाया कि नहीं उठाया, लेकिन पावर सेक्टर अभी स्पेस है पावर सेक्टर में। रिफाइनरीज को भी छोड़ें, शुगर को भी छोड़ें, इसको भी छोड़ें भाई, बहुत ऊपर जा चुकी हैं चीज़ें। बस यार बाकी कोई ख़ास नहीं है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पे सर जी हमने तो दिया था बेच, मैंने तो सारा ही बेच दिया था। अपने दोस्तों से मैंने कहा था कि वो कुछ प्रॉफिट टेकिंग कर लें, कुछ थोड़ा सा भी इसके और ऊपर जाने के चांसेस हैं तो वो वहाँ भी कर लेंगे, बाकी देखेंगे इंशाल्लाह बाद में क्या करना है। आज तो यार ये पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल तक कर दिया खुश, ठीक है ना। मेरी तो बाइंग जो थी ना उससे तकरीबन ये 10-12 रुपये चला गया है ऊपर, तो मैंने तो आज मेरे पास ही मेरा ख्याल है कि तकरीबन कोई 2000 या 2200 शेयर थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं सॉरी यार, 1700 शेयर थे मेरे पास इसके ना, तो 700 तो आज मैंने बेचे हैं 178 पे ना, बड़े आराम से 100-100 करके बेचे हैं। अभी भी मैंने 1000 शेयर रखा हुआ है, पर बड़े आराम से बेचूंगा उसको 100-100 करके। तो आपको याद होगा कि ये शेयर 140 पे चला गया था, तो उस वक्त भी मैंने आपसे ये गुजारिश की थी, जिस तरह मैंने SNGP के हवाले से कहा था कि सर जी ये शेयर बुरा नहीं है, बेचारे के ऊपर वक्त बुरा आया हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस वक्त पैनिक हुए, कुछ लोगों ने लॉस भी बुक किया होगा, हमने नहीं किया सर। ये तकरीबन शेयर 6 महीने तक हमने होल्ड किया है, जहां इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसमें से फिर 2 डिविडेंड भी मिले, एक 5 रुपए का, एक 2 रुपए का, 7 रुपए वो निकले, तो हमें तो ये शेयर पड़ा 160 में, ठीक है ना। तो 160 में अगर शेयर पड़ा और आज हमने उसको अगर 178 पे बेचा है, तो सर 13 रुपये प्रॉफिट बनता है, और अगर हम उसको दूसरे लफ्ज़ों में देखेंगे तो मेरा ख्याल 10% के करीब बनता है। तो 6 महीने में भी 10% मिल जाए प्रॉफिट, सर मैं तो राजी हूँ। अभी इसमें वो शामिल नहीं है डिविडेंड, समझा करें। तो हमारी तो कैलकुलेशन होती है जी इस तरह से। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि कैंडल क्या कहती है, और कैंडल क्या कहती है। कैंडल ये कहती है कि ओए होए 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 सर, कैंडल तो फिर डेंजरस बनी है आज, ठीक है ना। अब देखते हैं कि, अब देखिए हिस्ट्री को थोड़ा सा हम देख लेंगे कि हिस्ट्री क्या कहती है। हिस्ट्री ये कहती है कि आपको अगर मालूम हो तो हमने पहले भी ये बात की थी कि सर जब ये कैंडल बनी थी तो उसके बाद मार्केट नीचे आई, ये कैंडल बनी थी इसी तरह से तो मार्केट ने डाउन लिया, उसके बाद जो था ये बनी कैंडल उस दिन, लेकिन मार्केट के अंदर डाउन साइड मूव नहीं बनी। अब 2 बार जो है माजी करीब के अंदर इस तरह की कैंडल बनने पर मार्केट ने डिप ली है, जबकि 1 बार ऐसा नहीं हुआ। तो स्टॉक मार्केट जो है ये हमेशा इफ और बट के साथ चलती है, हिस्ट्री की बेस पर चलती है। हमारा जितना का भी देखें, स्टॉक मार्केट के अलावा अगर आप जिंदगी के फैसले भी देखें ना, तो हम माजी देखते हैं, हाल देखते हैं, और फैसला हम करते हैं मुस्तकबिल का। आप दुनिया का कोई बिजनेस ले लें, उसका डाटा उठा लें, इवन के यहाँ तक कि जब हम अपने घरों के अंदर शादी ब्याह या इस किस्म के कुछ रिश्ते तय करने की तरफ जाते हैं, तो उस वक्त भी हम यही करते हैं। हम ये देखते हैं कि इस वक्त पोजीशन क्या है उस फैमिली की, और उनका माजी कैसा है, और फैसला हम करते हैं मुस्तकबिल का। तो ये एक आप समझ लीजिए कि एक थंब रूल है मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए, कि हम हमेशा हिस्ट्री को देखते हैं, प्रेजेंट को देखते हैं। बिल्कुल उसी तरह से स्टॉक मार्केट भी कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये भी इसी तरह से चलती है। इसमें भी हम माजी को देखते हैं, हाल को देखते हैं, और फैसला हम मुस्तकबिल का करते हैं। तो माजी हमें ये बता रहा है कि जब ऐसी कैंडल बनी तो 2 बार मार्केट ने डिप ली, जबकि 1 बार मार्केट ने उसको रेजिस्ट किया और मार्केट अपसाइड पर गई। हमारा जो टारगेट था, हमने पहले भी कहा था कि पहला हमारा टारगेट था 47,000 का, दूसरा हमने कहा जी 47,300, उसके बाद हमने जो बात की थी वो की थी 48,000 की, और तीसरा चौथा टारगेट था हमारा 48,700 का, 48,737, ये जो ये ऊपर लाइन लगी हुई है। अब फिलहाल जो कल की मार्केट की मूव थी और आज की जो मार्केट की मूव है, मार्केट यहाँ पर बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर रही है। और कल भी मैंने एक बात आपसे की थी और वो ये की थी कि जियो जियो पोलिटिकल सिचुएशन कोई इतनी आइडियल नहीं है। बहरहाल मैं अभी भी कोई इतना खास परेशान नहीं हूँ, लेकिन परेशानी वाली बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ कल की जो कैंडल थी वो मुझे कुछ ज्यादा डेंजरस नहीं लगी।
आज की कैंडल आपको याद होगा कि मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि यार ये जो इसके ऊपर की जो विक होती है ना, इसकी जो ऊपर की विक होती है उसके ऊपर जो है वो हमेशा टाइम लगता है। तो बहरहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।